नमस्कार, आप देख रहे हैं एससीटी न्यूज। मेरठ के खरकोदा ब्लॉक ग्राम बिजोली के राशन एजेंसी डीलर नितिन कुमार गरीब जनता के राशन की कटौती करके दबंगई से भर रहे हैं अपनी जेब। बताते चले, नितिन नाम के एजेंसी डीलर दबंगई से गरीब भोली वाली जनता के राशन की कटौती करके दबंगई दिखाते हुए हर एक कार्ड धारक से एक एक यूनिट, वह एक यूनिट पर एक किलो राशन कम दे रहे हैं और भोली भाली जनता में अपना खौफ बैठा रहे हैं कि हम राशन ठीक दे रहे हैं, लेना हो तो लो, नहीं तो यह भी नहीं मिलेगा। इसके चलते जब हमारी टीम राशन की दुकान पर पहुंची तो उन्होंने हमारी टीम के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हुए हमें भी दबंगई दिखाने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले हमने कई कार्ड धारकों से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि हर एक कार्ड धारक से वैसी तरीके का व्यवहार रखते हैं और उनके राशन की हर महीने कटौती करके राशन की कालाबाजारी करते हैं और ऊपर से नीचे तक अधिकारी को सेवा शुल्क देकर अपने ऊपर कार्रवाई करवाने से बच जाते हैं। ऐसा कहना है एजेंसी डीलर नितिन कुमार का, जो एजेंसी डीलर हैं, लगभग 1500 कार्ड धारकों को राशन वितरित करते हैं। योगी सरकार भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लगी हुई है और ऐसे माफिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से यह सब खेल चल रहा है। ये खुद एजेंसी डीलर का कहना है कि हमारा पैसा ऊपर तक जाता है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूत्रों की माने तो काफ़ी समय से राशन एजेंसी डीलर गरीब जनता का राशन पूरा उपलब्ध नहीं कराते हैं। इसकी शिकायत पत्र के माध्यम से जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी व जिला अधिकारी को हमारे संवाददाता द्वारा दी जाएगी और ऐसे भ्रष्ट एजेंसी डीलर पर कार्रवाई कराकर गरीब जनता को उनका हक दिलाया जाएगा। अगर इस एजेंसी डीलर की काली कमाई की बात करी जाए तो इसके पास दो एजेंसी का राशन वितरित होता है, जिसमें एक एजेंसी सस्पेंड है, जिसकी वजह से नितिन नाम के एजेंसी डीलर ही वितरण करते हैं। टोटल 1500 कार्ड हैं। एजेंसी डीलर हर एक कार्ड पर एक यूनिट का राशन ख़त्म करता है, जिसका साक्ष्य हमारे पास वीडियो में भी है। अगर इस एजेंसी डीलर का अनुमानित कालाबाजारी का राशन का एवरेज लगाया जाए तो 1500 कार्ड यानी 75 कुंटल प्रतिमा गरीब जनता का राशन कटौती किया जाता है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,80,000 रुपये बैठती है। अगर हर माह यह ऐसी चोरी करता है तो सालाना 21,60,000 रुपये प्रतिवर्ष गरीब जनता का पेट काटकर कमाता है और सरकार के द्वारा कमीशन रहा अलग। और लॉकडाउन में तो 2 बार राशन बांटा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऐसे दबंग एजेंसी डीलर पर जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे, या यूं ही खुलेआम ऐसे ही गरीब जनता का हक छीनकर अपने आप को करोड़पति बनने में राशन एजेंसी डीलर लगे रहेंगे। भाई एक बार बताना, क्या यूनिट? 5 यूनिट। कितना राशन मिला? 20 किलो मिला। कौन सा गांव है? बिजोली। राशन डीलर का क्या नाम है? कुछ भी है। क्या यूनिट है आपकी? 22 किलो। 22 किलो। क्या यूनिट है? 5 किलो। राशन एजेंसी डीलर का नाम क्या? गांव का नाम? गांव का नाम क्या? गांव कौन सा है? आपका नाम? मंजू शर्मा के नाम से। क्या यूनिट है? 5 पर 22 किलो मिला।